एमपी विधानसभा में बजट पर चर्चा, बड़ी खबर बता रही है पुरानी पेंशन बहाली को लेकर। विधानसभा में हंगामा हो रहा है, कांग्रेस का सरकार पर कर्मचारियों की उपेक्षा का आरोप है। कांग्रेस विधायक दल ने सदन से वॉकआउट कर दिया है। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष नजर आ रहा है। सज्जन सिंह वर्मा ने भी मुद्दों को लेकर कई बातें कही हैं। तो कांग्रेस का सरकार पर कर्मचारियों की उपेक्षा का आरोप है, कांग्रेस विधायक दल ने सदन से वॉकआउट कर दिया है। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट नजर आ रहा है विपक्ष, और साथ ही आपको बता दें कि इसी वजह से विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया है सदन से। तो एमपी विधानसभा में बजट पर चर्चा हो रही है, लेकिन इसके साथ ही जो विपक्ष सवाल कर रहा है उसके जवाब जो सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं उसको लेकर लगातार जो असहमति है वो देखी जा रही है कांग्रेस की तरफ से। और पुरानी पेंशन बहाली को लेकर भी लगातार विवाद हो रहा है। कांग्रेस विधायक दल ने सदन से वॉकआउट कर दिया है। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट नजर आ रहा है विपक्ष। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है एमपी विधानसभा से जुड़ी हुई। बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर विधानसभा में काफी हंगामा देखा जा रहा है। कांग्रेस का सरकार पर कर्मचारियों की उपेक्षा का आरोप है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार कर्मचारियों की उपेक्षा कर रही है, इसी वजह से विधायक दल ने सदन से वॉकआउट कर दिया है। इसके साथ ही मंत्रियों के जवाब से भी असंतुष्ट नजर आ रहा है विपक्ष। तो सदन में हंगामा जारी है, काफी जोरदार हंगामे के साथ ये सत्र चल रहा है और लगातार विपक्ष घेरने की कोशिश कर रहा है सरकार को। साथ ही सरकार के दिए गए जवाबों से असंतुष्ट नजर आ रहा है विधायक दल ने, कांग्रेस के विधायक दल ने सदन से वॉकआउट कर दिया है। इसी वजह से तो उनका आरोप है कि सरकार कर्मचारियों की उपेक्षा कर रही है, क्योंकि अगर कांग्रेस की बात करें तो ज्यादातर कांग्रेस ने अपने कई प्रदेश ऐसे हैं जहां पर पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कदम उठाए हैं और पुरानी पेंशन बहाल कर दी है। खासकर के राजस्थान की अगर बात की जाए और छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए, तो ऐसे में मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की ये मांग है कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए। लेकिन इसको लेकर सरकार के रवैये की वजह से उसका आरोप है कि यहाँ पर जो सरकार है वो कर्मचारियों की उपेक्षा कर रही है। कुलभूषण सक्सेना इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कुलभूषण, आपसे जानना चाहूंगी, देखिए लगातार बजट सत्र में देखा जा रहा है कि हंगामा हो रहा है, विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में विपक्ष ने आरोप लगाया है, पहला मुद्दा तो पुरानी पेंशन बहाली को लेकर है कि कर्मचारियों की उपेक्षा की जा रही है। जानना चाहूंगी क्या रहा आज की कार्यवाही में। देखिए, आज बजट सत्र की जब कार्यवाही 11 बजे शुरू हुई विधानसभा के सत्र की, और इस प्रश्नकाल के दौरान काफी कुछ हंगामा जो है विपक्ष के विधायकों ने किया। सबसे मुख्य जो एजेंडा है कर्मचारियों की पुरानी ओल्ड पेंशन को लेकर जो है आज सदन में विपक्ष ने काफी हंगामा किया, सदन से वॉकआउट किया और एक बार फिर से जो है ओल्ड पेंशन को लेकर सरकार को विपक्ष के विधायक आज घेरते हुए नजर आए। हालांकि इस पूरे मामले पर जो मंत्री हैं जगदीश देवड़ा वित्त मंत्री हैं, उनका ये कहना है कि अभी ऐसा कोई विचार मध्यप्रदेश में नहीं किया जा रहा। तो इससे स्पष्ट है कि अभी मध्यप्रदेश में ओल्ड पेंशन को लेकर जो बातें सामने निकल के आ रही थी कि इस पर विचार किया जा सकता है अन्य राज्यों की अपेक्षा, जिस प्रकार से कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में एक दल पहुंचा रहा है और वहां पर जो है चर्चा की जा रही, लेकिन फिलहाल मध्यप्रदेश में ऐसी कोई स्थिति बनती हुई नजर नहीं आ रही है। और मध्यप्रदेश में ओल्ड पेंशन को लेके विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। कमलनाथ ने ये स्पष्ट कर दिया है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम मध्यप्रदेश में ओल्ड पेंशन लागू करेंगे। इसके साथ ही ओल्ड पेंशन के अलावा ये भी कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि जो मंत्री जवाब दे रहे हैं वो उससे पूरी तरह से असंतुष्ट है, जो भी सवाल किए जा रहे हैं। किस बात को लेकर, किस सवाल को लेकर ये असंतुष्टि जाहिर की गई है? देखिए, विधायक अपने क्षेत्र की समस्याएं उठाते हैं और कई ऐसे सवाल रहते हैं जिनका जवाब विधायकों को नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर सदन में ये आरोप विपक्ष के विधायकों ने लगाया है कि हम मंत्रियों के जवाब से संतुष्ट नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर कई ऐसी बातें कही जा रही है। इसके साथ ही बुरहानपुर में जो जंगल काटे जा रहे हैं, आज ये मामला भी जो है सदन में गूंजा और निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह चेरा ने इस मामले को लेकर सदन का ध्यान आकर्षित किया। और इस पूरे मामले को लेकर जो वन मंत्री हैं विजय शाह, उनका ये कहना है कि अभी फिलहाल जो है सख्त से सख्त कार्रवाई इस पूरे मामले पर की जाएगी। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया कुलभूषण आपके तमाम जानकारी के लिए।